देश के नए संसद भवन में जिस समय महिला आरक्षण बिल को पास करवाकर इतिहास लिखा जा रहा था, ठीक उसी समय बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को लेकर अपमानित बयान देकर विपक्ष को हमला बोलने का मौका दे दिया। बीजेपी सांसद के बयान को लपेटे में लेने में जरा भी देर नहीं की और इसे मुद्दा बना लिया। सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेकर बसपा से ज्यादा एक्टिव तो कांग्रेस दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को बसपा के लिए सहानुभूति या फिर कांग्रेस की नज़र पुराने वोट बैंक पर टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस की मंशा अभी तक साफ नहीं हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दानिश अली से मिलने के लिए न सिर्फ उनके घर पहुंचे बल्कि उन्हें गले भी लगाया और इसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बताया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली जी को अपमान किया, उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय अपशब्द कहे थे और बीजेपी के दो पूर्व मंत्री बद्दे ढंग से हंस रहे थे। रमेश बिदूड़ी की ये शर्मनाक और ओछी हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस देश भर के साथ लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के सख्त खिलाफ है। दानिश अली को लेकर भाजपा सांसद ने जो आपत्तिजनक बयान दिया उस पर मायावती ने भी ट्वीट करते हुए भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बसपा सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वो वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी किंतु पार्टी द्वारा उनके खिलाफ अभी तक समुचित कार्यवाही नहीं करना बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतना ही नहीं, कांग्रेस इस मामले में बसपा से ज्यादा एक्टिव दिख रही है। राहुल गांधी की दानिश अली से मुलाकात से पहले कांग्रेस ने रमेश बिदूड़ी के निलंबन तक की मांग कर दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी इस मुद्दे पर मायावती और बसपा से ज्यादा एक्टिव क्यों दिख रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है कि भारत की राजनीति में एक ऐसा दौर था जब मुस्लिमों को कांग्रेस का समर्थक बताया जाता था। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफत में मुस्लिम कांग्रेस को बड़े पैमाने पर वोट किया करते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे कांग्रेस राजनीति में कमजोर होती गई, उसका वोट बैंक बढ़ता चला गया। बिहार की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ हो गई और यूपी में सपा और बसपा को मुस्लिम समर्थन मिलने लगा। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अपने खोए हुए मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में लगातार जारी है। दानिश अली के बहाने भी कांग्रेस मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में वो दिख रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 22 सितंबर को दानिश अली से मुलाकात कर एकजुटता दिखाया। इसी के साथ बसपा सांसद दानिश अली ने भी एक्स पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप आ गए, मेरा हौसला बढ़ गया, नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि दानिश अली जी आप अकेले नहीं हैं। इस देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र पर विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी लगातार मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।